डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। ओके, यहाँ एलिवेटर का मतलब क्या है? एलिवेटर इज वी कैन से अ ड्रिल मशीन। ओके, और वह जो है डिसेंड्स मतलब नीचे की तरफ जाती है 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर अंदर जाती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर डिसेंट हम सपोज ये ग्राउंड लेवल है, इसके हम 10 मीटर ऊपर से शुरू करते हैं, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर डीप फ्रॉम द ग्राउंड। तो उन्होंने ये कहा है कि ग्राउंड से 350 मीटर डीप, यहाँ आप ये माइनस साइन लगा है, तो दिस शोज दैट वी आर गोइंग अंडर द ग्राउंड। ओके, दैट्स वाई हमको यहाँ पर इस साइन का सम में ध्यान नहीं रखना है अभी। ओके, दिस शोज ओनली कि वी आर गोइंग डीप इनसाइड द ग्राउंड। अब यहाँ पर हमको ये बताना कि कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट ये करना होगा कि एक तो 10 मीटर ऊपर से शुरू कर रहा है और उसको टोटल कितना चलना है 350 मीटर डीप। तो एक्चुअली हमको इस पॉइंट से और 350 मीटर तक का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, फिर हम उसको इस रेट से डिवाइड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर सॉल्यूशन में ये लिखेंगे टोटल डिसेंट्स, या डेप्थ भी लिख सकते हैं, या टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंट्स लिख सकते हैं, लेंथ भी लिख सकते हैं आप, टोटल लेंथ टू बी डिसेंट्स। सो दैट विल बी 10 मीटर प्लस 350 मीटर। ये डीप के लिए हमने ऐड किया है, इस साइन को हमने नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम साइन लेंगे तो यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत होगी आपको, तो इसलिए हमको टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 360 मीटर। अब हम इसको इस रेट से डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टाइम की बात की गई है। ओके, नाउ हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बिकॉज टाइम इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ पर उसकी स्पीड ये है। अब हम इसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। ओके, तो यहाँ पर 360 अपॉन ये मीटर में है, और यहाँ पर हम इसको 6 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 1 6 और 6 6 36 6 0 0। तो हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा दैट इज 60 मिनट आएगा। ओके, दैट मीन्स अगर हम 60 मिनट और 1 आर, दिस विल बी आर आंसर। एक बार हम इसको और समझेंगे। क्वेश्चन हमको दिया गया था, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। दिस इज द रेट, ओके, जितनी स्पीड से यह नीचे जा रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ पर आप अलग से स्पीड लिख सकते हैं, स्पीड इक्वल 6 मीटर पर मिनट। ओके, तो यहाँ पर स्पीड दी गई है। अब उन्होंने कहा था इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम द 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है कि ये ग्राउंड लेवल है, इसके 10 मीटर ऊपर हमने शुरू किया। देन अब उन्होंने कहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर डीप फ्रॉम द ग्राउंड। तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डेप्थ, कि हम जमीन की गहराई में जा रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा जो हमको कवर करना है, 10 प्लस 350। तो हमने यहाँ पर टोटल लेंथ टू बी डिसेंट्स दैट इज इक्वल टू
10 मीटर प्लस 350 मीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा 360 मीटर। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ है, ओके, टाइम इक्वल टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड वैल्यू रखेंगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 360 मीटर और अपॉन में स्पीड आ जाएगी 6 मीटर पर मिनट। तो उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने पर हमको आया 60 मिनट आंसर, देन 60 मिनट इक्वल 1 आवर। ओके, थैंक यू।